अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी अपने डिस्टेंपर या वेदर शीट में कलर बनाने हैं, आप भी कलर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पेस्ट आपके लिए ज़रूरी है और आपके पास लाजमी होनी चाहिए और इनकी कीमतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो है ब्लू कलर की पेस्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास सुरख कलर की भी पेस्ट होना लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास वायलेट कलर की पेस्ट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास लेमन कलर की पेस्ट भी ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा सबसे ज़रूरी ब्लैक कलर की पेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑरेंज कलर की पेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो पेस्ट मैंने आपको बताई है ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी कलर, कोई भी कलर हो, आप उसको आसानी के साथ बना सकें और आप उसको मैनेज कर सकें। अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आप जो है जब आपको ऑर्डर आएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। लिहाजा जब भी आपने कलर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपने ये सारी पेस्ट जो है वो अपने पास खरीद लेनी है, लाजमी रखनी है, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी कलर का ऑर्डर आ सकता है तो आपके पास ये पेस्टें ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हम इनकी कीमतों की बात करें तो ये 2000 से स्टार्ट होकर तकरीबन जो ब्लैक कलर की पेस्ट है वो आपको 2000 से 2000 या 2500 के लगभग मिल जाएगी। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि चाइना की होती हैं और एक यूके की होती हैं। हमेशा आप जो है वो यूके की पेस्ट इस्तेमाल करें, वो अच्छी होती हैं, उनके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं और वो देर पा उनके कलर होते हैं, तो इसलिए चाइना की जो है वो इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। यूके की जो कलर पेस्ट है उनका इस्तेमाल करें और उनकी प्राइस जो है वो ब्लैक जो है वो 2000-2500 के लगभग है। इसके अलावा जो दूसरी हैं वो 4000 और 5000 के लगभग वो उनकी प्राइस होगी। कोई 4800 की, कोई 4500 की, कोई 4200 की, इस तरह उनकी प्राइसेज हैं। 4000 या 5000 के दरमियान में उनकी कीमतें हैं। अगर आप जो है वो चाइना की यूज़ करना चाहते हैं, चाइना की खरीदना चाहते हैं, वो आपको 3000 से 3500 के लगभग उनकी प्राइसेज हैं। इस प्राइस में वो आपको मिल जाएगी।